ये आकाशवाणी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक मर्मस्पर्शी कहानी है श्रीर पुत्र। वर्ष 1914 में लिखी गई इस कहानी में तत्कालीन समाज में नारी की अवस्था का मार्मिक विवरण है। कुरूपता की पीड़ा ने जो सवाल उस समय पूछा था, वो सवाल अब भी जिंदा हैं। आज हम आपको इसी कहानी का हिंदी नाट्य रूपांतर सुनवा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं ये नाटक पत्नी का पत्र। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। श्री चरण कमलेश, आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी नहीं लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त भी नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की लिखी चिट्ठी मत समझना। लोगों के साथ मेरा संबंध मेरे भाग्य में लिखा था, और ये बात सिर्फ वो ही जानता था जिसने मेरा भाग्य लिखा था, और कोई नहीं। एक बार ना बचपन में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। ज्वर इतना बढ़ गया था कि मेरा भाई बच नहीं सका, पर मैं बची रही। मुझे अब भी याद है मोहल्ले की औरतें क्या कह रही थीं। मागो, मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो कभी नहीं बचती। यमराज ना चोरी की कला में बड़े निपुण हैं, उनकी नजर हमेशा कीमती चीज पर ही पड़ती है। तब मेरे भाग्य में मौत नहीं थी, आज भी नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। वो दिन याद आ रहा है जब तुम्हारे दूर के रिश्ते के मामा तुम्हारे दोस्त नीरज को साथ लेकर मुझे देखने आए थे। छोटी सी तो थी मैं, दुर्गम वीराने गांव में मेरा घर था दूर, न ढंग के रास्ते ना नाम वाला गांव, एकदम वीराने में। वहां तो दिन में भी सियार बोलते रहते थे। स्टेशन से उतरकर पहले 7 कोस झगड़ा गाड़ी में, और उसके बाद आगे का 3 मील कच्चे रास्ते पर पालकी में बैठकर तब को
कोई पहुंचता है हमारे गाँव। उस दिन मामा जी और नीरज को कितनी परेशानी हुई थी, और उस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन। मामा जी तो आज भी हमारे घर के उस भोजन की हंसी उड़ाना नहीं भूलते। हमने सोचा गांव का खाना है, स्वाद होगा। बकवास, छे, मसाला भी कोई चीज होता है, पता ही नहीं था मजली बहू के गांव वालों को। क्या खिलाया था रे बाबा, फालतू। आज जाओ ना, अरे अब तो सीख लिया होगा खाना बनाना तुम्हारे गांव वालों ने। कि अभी भी और रकम ही है। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी मझली बहू से पूरी हो जाए, यही तो बात थी। नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते? पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती थी, वो खुद ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पापा की छाती धक धक करने लगी। की कोरे हो बेगो? माँ माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। दुर्गा जय माँ दुर्गा। शहर के देवता को गांव का पुजारी भला क्या देकर संतुष्ट करे? बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन रूप का कोई मूल्य होता है ये बेटी थोड़े ही बता सकती थी। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो हजार रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो गांव की इस 12 साल की लड़की को तो परीक्षकों की दो जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ रखने के लिए चपरास घिरी कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा। और फिर वो दिन भी आ गया जब अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी, और फिर मैं उस गांव से निकलकर तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। पहले मेरी सारी कमियों का ब्योरेवार हिसाब लगाया गया, फिर अंत में घर की सभी औरतों ने स्वीकार किया कि सब कमियों के होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर भी हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है, ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ी। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी क्यों की त्यों है। मेरी इस बुद्धि से मेरी माँ बड़ी चिंतित रहती थी। सचमुच नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को अपना भाग्य मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को सहारा मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने गलती से मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है, अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तो पुरखिन है। तुम लोग मुझे तो पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। मेरी बुद्धि मेरा अक्षम्य गुण था, और अक्षम्य को बुरा भला कहने से मन को संतोष होता है, उन्हें भी हुआ,
इसलिए मैंने सबको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम में से कोई नहीं जानता था, असल में वो तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, शायद इसलिए मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी। कविताओं में ही मुझे मृत्यु मिलती थी, उन्हीं में मैं रो पाती थी, जी भर के मरी, जी भर के रोई। बेटी की याद है आपको? मेरी बेटी जन्मते ही मर गई है, लेकिन जाते समय उसने सांस चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो जिंदा रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला कर देती। तब मैं शायद मछली बहू से एकदम माँ बन जाती, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली। मातृत्व की मुक्ति कभी नहीं मिली। मुझे याद है जब वो अंग्रेज डॉक्टर हमारे घर आया था उसे देखने, घर का हाल देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ था, और जच्चा घर की हालत देखकर तो उसने बहुत जोर से फटकार भी लगाई थी। ओह, होपलेस, इधर रहेगा तो तुम भी मर जाएगा। डिस्गस्टिंग, कैसा मर्डर है तुम? डॉक्टर ने सही कहा था, लेकिन एक बात उसकी गलत थी। उसने सोचा था कि शायद ऐसी हालत से मुझे रात दिन तकलीफ होती होगी, दुख होता होगा, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती है। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए उससे पीड़ा भी नहीं होती है। शायद यही कारण है कि औरत को जब दुख का अनुभव होता है तो उसे लज्जा महसूस होती है, शर्म आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर तुम लोगों का यही सोचना है कि औरत को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में ही रखना ठीक है। आदर से दुख की व्यथा, उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, ये बात कभी मेरे ख्याल में भी नहीं आई कि मुझे कोई दुख है। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा था। मैं स्त्री हूं, हमारे जीवन में है ही क्या कि मौत से डर लगे। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में तो उन्हीं को कष्ट होता है ना, उन्हीं को डर लगता है, हमारा क्या। उस दिन अगर यमराज मुझे खींचते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास
बड़ी आसानी से जड़ समेत उखड़ जाती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है। सच कहूं तो हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते हुए लज्जा आती है। मेरी बेटी, शाम को उगने वाले तारे की तरह क्षण भर के लिए आई और अस्त हो गई। मैं फिर से उन्हीं रोज के कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिरी सांस तक जैसे तैसे कट ही जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ाकर ले आती है और पक्के दालान में भी पीपल का अंकुर फूट पड़ता है, और जैसे जैसे उसकी जड़ें फैलने लगती हैं, लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लगती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा, और तभी से दरार शुरू हो गई। जब बड़ी जिठाने की विधवा माँ चल बसी, तो उसकी बहन बिंदु एक दिन हमारे घर आ गई अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से पिंड छुड़ाने के लिए। पर यहां भी उसे क्या मिला, वो अपनी दीदी के पास आई थी, लेकिन तुम लोगों ने सोचा ये कहां की बला आ गई। आग लगे मेरे सभा को, करती भी क्या। देखा, तुम सब लोग मन ही मन खींच उठे हो, इसीलिए उस निराश्रिता लड़की की ढाल बनकर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर कसकर खड़ा हो गया। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। सोचो ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जिठानी की हालत देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने भी ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया मानो उन पर कोई बड़ी बला आन पड़ी हो। मानो वो बला किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वो अपनी अनाथ बहन के लिए खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वो पतिव्रता थी। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी ज्यादा दुखी हो उठा। मैंने देखा घर के सभी लोगों का मन रखने के लिए बड़ी जेठानी ने सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने का बहुत ही घटिया इंतजाम किया और उसे घर में नौकरानियों वाले काम में जोत दिया। मुझे दुखी नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को साबित करने में लगी रहती थी कि हमारे घर के लिए बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है, सारे काम करती है और बदले में उसे कुछ भी खास देना भी नहीं पड़ता है। बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के नाम के अलावा और कुछ भी बड़ा नहीं था, न रूप था न धन। किस तरह तुम्हारे पिता के पैरों पड़कर उनका ब्याह तुम्हारे बड़े भाई से हुआ था, ये बात तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, और मैं भी। वो तो सदा से यही मानती आई हैं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति एक बड़ा भारी अपराध हो गया था, इसलिए सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर, अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थी। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती थी। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ तो समझती हूँ, उसे किसी और की खातिर बुरा समझने लगूं ऐसा स्वभाव उचित नहीं मानती, और ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कई बार देख चुके हो। बिंदु को मैं अपने कमरे में खींच लाई थी
और जीजी ने वही कहा था जिसकी उनसे उम्मीद थी ही। मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालेगी, ऐसा भी कोई करता है क्या? बड़ी जिठानी हमेशा बिंदु की उम्र घटाकर बताया करती थी, लेकिन बिंदु की उम्र 14 से कम नहीं थी। तुम्हें तो मालूम है देखने में बिंदु कितनी कुरूप थी, इतनी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को उसकी नहीं घर के फर्श की ही चिंता होती। यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर ऐसा कोई नहीं था जो उसकी विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सकें। बिंदु एक दिन बहुत डरती डरती मेरे पास आई, इतनी डरते हुए मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही नहीं था। शायद इसलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती थी। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह भी पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है, लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है, इसीलिए उसके लिए घोरे पर भी जगह नहीं होती है। यही वजह है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में लेकर आई तो उसकी छाती थक थक करने लग गई। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उससे समझाई। अरे नहीं नहीं जीजी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? लेकिन मेरा कमरा सिर्फ मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसीलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर पर न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद अमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। पर तुमने क्या कहा था याद है? शीतला, शीतला है ये। तुम्हारा वो व्यवहार, हो भी क्यों ना, वो बिंदु थी ना। मैंने कहा शीतला है तो हो, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर तुम सब लोग मेरे ऊपर कैसे गुस्से में चिल्लाए थे। बेवकूफी मत करो, जरूरत क्या है इसकी, खुद ठीक हो जाएगी। जब बिंदु की अपनी सगी बहन भी उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी तभी उसके शरीर के उस सारे लाल लाल दाग एकदम गायब हो गए। मैंने देखा था कि इस बात से तुम लोग और भी परेशान हो उठे थे, तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान थे। अब तो वाकई शीतला बैठ गई अंदर, कह रहा हूं ना भाई अब तो और भी गड़बड़ होगी, और भी गड़बड़। आखिर क्यों ना बोलते ऐसा, वो बिंदु थी ना। अनादर के साथ किए जाने वाले पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आसान रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया, उसे हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह पता चल गई कि संसार में साधनहीन व्यक्ति को जिसका कोई नहीं उसको आश्रय देना बहुत कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर लगने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति मैंने तो संसार में पहले कभी देखी ही नहीं थी। हाँ किताबों में पढ़ा जरूर था पर वो भी स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम की कहानी थी।
बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़के मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गए। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। जीजी, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी ये सुंदरता मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखती? पगली। जिस दिन मैं अपने केश खुद ही बांध लेती उस दिन वो बहुत रूट जाती थी। चिची, आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? जाइए, मैं नहीं बोलती आपसे, जाइए। मेरे केश भार को अपने हाथों से हिलाने डुलाने सजाने संवारने में उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी कहीं किसी दावत में जाने के समय के अलावा कभी और मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी। लेकिन बिंदु, वो तो मुझे जिद करके रोज ही थोड़ा बहुत सजाती रहती थी। वो लड़की मेरे लिए बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी नहीं थी। उत्तर की ओर दीवार के साथ नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाप का पौधा निकला था। जिस दिन देखती कि उस गाप के पौधे में नई लाल लाल खोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान जाती थी कि धरती पर वसंत का आगमन हो गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मन पर स्नेह का रंग देखा, तो उस दिन मैंने जाना कि हृदय की जगत में भी वसंत की हवा बहती है। वो किसी स्वर्ग से आती है, गली के मोड़ से नहीं। बिंदु के स्नेह के दुस्साह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता था, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाई थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजूबंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा नहीं आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और तो कोई प्रमाण था नहीं। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी, कुरूप, अवांछित, अनाथ। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूं कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। पत्नी का पत्र। अभी आप गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी स्त्री पुत्रों के हिंदी नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। कहानी का हिंदी अनुवाद किया था प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार। प्रस्तुति सहायक विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे शारदा गुप्ता, सिद्धार्थ, नुपुर कुलश्रेष्ठ और सचिन कथूरिया।